बिफोर स्टार्ट टूडेज अनदर स्पेशल क्लास फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू मोस्ट ब्यूटिफुल इंस्पिरेशनल एंड मोस्ट मोटिवेटेड कोट दैट इज रिटन बाय अ मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, मोस्ट स्पेशल पर्सन एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन फॉर मी इन माई लाइफ. द कोट इज दैट देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलवर्स. इसका मतलब है कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता और ना ही इसका कोई शॉर्टकट होता है, बल्कि सफलता आपकी तैयारी, आपका त्याग, आपकी कड़ी मेहनत और गलतियों की एक सीख है जो लाइफ में आपको आगे लेके जाती है. तो लाइफ में आप कितने बार गिरे, कितने बार असफल हुए या आपको कितना मेहनत करना पड़े, तो इससे कभी भी मत घबराए, क्योंकि आपका जो मेहनत है, आपकी जो गलतियाँ हैं, वही होगा जो आपको लाइफ में आगे सक्सेस्ट कराएगा और आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगा. तो मेरी इस कोट को याद रखिएगा और जिस स्पेशल पर्सन ने इस कोट को मुझे शेयर किया है उनके लिए एक लाइक और कमेंट में उनको थैंक्स जरूर बोलिएगा. हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स अकेडमी में. आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो, या जिसको हम रेशियो एनालिसिस के भी नाम से जानते हैं. अकाउंटेंसी में बेसिकली एस के सिंह का जो बुक होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का पार्ट बी में आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस के नाम से मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग रेशियो को हिंदी में कहा जाता है लेखांकन अनुपात, या रेशियो एनालिसिस को हिंदी में कहा जाता है अनुपात विश्लेषण. और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी आप लोगों को जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेशियो, जिसको अनुपात कहा जाता है, अनुपात का मतलब क्या होता है. तो बेसिकली देखो, रेशियो के लिए क्या बोला गया, रेशियो का मतलब है ए रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो सजातीय संख्याओं के बीच आपसी परिणात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे का क्वांटिटेटिव है, एक दूसरे का सजातीय है, जब उन दो नंबर्स के बीच परिणात्मक संबंध को बताएंगे, रिलेशन को बताएंगे, तो वो रेशियो कहलाता है. जैसे देखो, यहाँ हम लिखते हैं 2:3, हम यहाँ लिखते हैं a:b, हम यहाँ लिखते हैं x:y. तो 2:2 और 3 सेम एक क्वांटिटेटिव नंबर है, 1 और a और b क्वांटिटेटिव नंबर है, x और y क्वांटिटेटिव नंबर है. तो इसी तरह से जो भी क्वांटिटेटिव नंबर होता है उन नंबर्स के बीच रिलेशन बताना, ये रिलेशन बताना ही आपका रेशियो कहलाता है. ठीक है, आगे समझ में. अब जानते हैं रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण का मतलब क्या होता है. देखो, रेशियो एनालिसिस के बारे में बोला, रेशियो एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से होता है. इसका मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मींस है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उन स्टेटमेंट का एनालिसिस करना ही रेशियो एनालिसिस होता है. इसका मतलब है, रेशियो एनालिसिस का मतलब हुआ कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उन स्टेटमेंट्स का जो न्यूमेरिकल नंबर्स होगा, जैसे एक कंपनी में जो भी एसेट है, करंट एसेट है, चाहे फिक्स एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी है, जो भी कैपिटल्स है, जो भी फंड्स है, जो भी शेयर्स है, जो भी लोन है, उन सभी नंबर्स के बीच रिलेशन को एग्जामिन करना, उन सभी लोगों को एग्जामिनेशन करना ही क्या होता है, रेशियो एनालिसिस होता है. यानी सिंपल है, रेशियो का एनालिसिस करना ही रेशियो एनालिसिस होता है. अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो को जल्दी से बता दो. तो अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है. देखो बच्चा, अच्छा से समझना. बोला गया अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है, अकाउंटिंग रेशियो मीन द रेशियोज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो. इसका मतलब, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब है एक ऐसा रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड हो, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इन तीनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है. तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड रेशियो को ही फाइनेंशियल रेशियो या
अकाउंटिंग रेशियो कहा जाता है। बोला गया लेखांकन अनुपात का मतलब वित्तीय विवरणों पर आधारित अनुपात को लेखांकन अनुपात कहा जाता है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है समझ लो, एक बैलेंस शीट के अंदर या एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होता है, चाहे जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इनकम एंड गेन है, जो भी एसेट्स है, जो भी कैपिटल्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, उन सभी का अमाउंट होगा। एसेट है, एसेट में करेंट एसेट है, चाहे फिक्स एसेट है, या जो भी लाइबिलिटी है, सबका एक अमाउंट होता होगा ना। उन अमाउंट्स को रेशियो में प्रेजेंट करना, उन अमाउंट को किसमें प्रेजेंट करना, रेशियो में प्रेजेंट करना, रेशियो एनालिसिस होता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एसेट कैपिटल लाइबिलिटी, उन सबका जो अमाउंट है, उन अमाउंट को रेशियो में प्रेजेंट करना, रेशियो में प्रेजेंट करना ही रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो या फाइनेंशियल रेशियो कहलाता है। इज इट क्लियर? अब देखो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग रेशियो है आप लोगों का, ये जो अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो में चार टाइप का अकाउंटिंग रेशियो आता है। ये आपको याद रखना होगा कि अकाउंटिंग रेशियो में चार रेशियो आता है। एक आता है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको तरलता या द्रवता अनुपात कहा जाता है, लिक्विडिटी रेशियो। एक आता है सोलवेंसी रेशियो, जिसको ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहा जाता है। तीसरा एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात। और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभप्रदता अनुपात कहा जाता है। तो बच्चा अकाउंटिंग रेशियो में कितना रेशियो आता है, तीन रेशियो, तीन टाइप के रेशियो हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लेकिन गौर करना, ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, इस रेशियो के अंदर आपको दो टाइप का रेशियो को न्यूमेरिकल पढ़ना है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर चार रेशियो आते हैं, एक्टिविटी रेशियो के अंदर छह रेशियो आते हैं, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आठ रेशियो आते हैं। यानी चार छह चार दो चार छः आठ, इतने रेशियो जो है आप लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन रेशियो आता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होता है, और न्यूमेरिकल। एक बात इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, ये अकाउंटेंसी का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें जो है ना तो आपको कोई जर्नल पढ़ना है, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस, ना CD/BD, ना डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं करना है। बस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, उन सब का अमाउंट होगा। उन अमाउंट को आपको रेशियो में प्रेजेंट करना है। किसमें प्रेजेंट करना है, रेशियो में। अब आप रेशियो में जब प्रेजेंट करते हैं, तो रेशियो में किसी भी नंबर को या तो इस टू में प्रेजेंट कर सकते हैं, या रेशियो को बाय में प्रेजेंट कर सकते हैं, या रेशियो को आप परसेंटेज, इन तीनों में से आप किसी को भी जो है वो रेशियो में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे, फिर आने वाले क्लासेस में सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग अब लिक्विडिटी रेशियो को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो डिटेल्ड में आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे हम लिख के लाए हैं। ध्यान देना कि ये जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो पढ़ना है, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो आता है, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो, या एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, एक ही है। अब हम लोग इन सब का मीनिंग जानते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात का मतलब क्या होता है। देखो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब बोला, लिक्विडिटी रेशियोज आर द रेशियोज मींट फॉर टेस्टिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, वेदर ए कंपनी इज एबल टू रीपे द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑन टाइम। इसका मतलब है लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि एक कंपनी के अंदर कितना शॉर्ट टर्म केस है, यानी एक कंपनी के पास कितना केस है, कितना करेंट एसेट है, और उनका जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी जो करेंट लाइबिलिटी है वो उसका पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यानी एक साल के अंदर अंदर कंपनी के पास कितना करंट लाइबिलिटी है और वो कंपनी अपने करंट लाइबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, इसी को जिस रेशियो से दिखाते हैं वही लिक्विडिटी रेशियो होता है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एटलीस्ट टेस्ट। तो अब जानते हैं करंट रेशियो क्या होता है। तो देखो करंट रेशियो का मतलब होता है, करंट रेशियो इज रेशियो विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। यानी एक ऐसा रेशियो जो एक कंपनी के अंदर करंट एसेट्स और करंट
लाइबिलिटी के बीच रिलेशन बताएगा कि एक कंपनी के अंदर कितना कितना करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी है, और करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच रेशियो बताना, करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच रेशियो बताना करेंट रेशियो होता है, जो किसके बीच रेशियो बताता है, रिलेशन बताता है करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच, ठीक है। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो इज रेशियो विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी। एक कंपनी के पास कितना क्विक एसेट है और कितना करेंट लाइबिलिटी है, इसके बारे में जो रेशियो बताता है उसी को हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं। क्विक एसेट और क्विक एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बारे में रेशियो, बच्चा एक बार समझ लो, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन कौन बताता है? करेंट रेशियो। क्विक एसेट और क्विक एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन कौन बताता है? क्विक रेशियो। अब क्या होता है, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, तो अब सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं कि करेंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने का क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अब सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो हम अभी बताए थे करंट रेशियो को हिंदी में बोला जाता है चालू अनुपात। करंट रेशियो का मतलब बताए थे ऐसा रेशियो होता है जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन बताएगा, यानी करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। आप इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हो, करंट रेशियो का मतलब है CR, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट का मतलब होता है CA डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी का मतलब CL, यानी करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। और इसका आइडल रेशियो क्या माना गया है? आइडल रेशियो 2:1 है। 2:1 का मतलब है, 2:1 का मतलब है कि एक कंपनी के पास करंट एसेट 2 होना चाहिए और करंट लाइबिलिटी 1। इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतना करंट एसेट होना चाहिए कि वो अपने करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दे। अगर कभी भी हम लोग करंट रेशियो निकालेंगे और करंट रेशियो का आइडल रेशियो जो 2:1 है, अगर 2:1 से ज़्यादा आएगा या 2:1 आएगा तो वो कंपनी अच्छा माना जाता है, यानी उस कंपनी के पास करंट एसेट ज़्यादा है और वो अपने करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग करंट रेशियो निकाले और उसमें अगर आइडल रेशियो 2:1 से कम आया वो रेशियो, इसका मतलब है वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर है और वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछता है एक नंबर का क्वेश्चन में कि करंट रेशियो का आइडल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना करंट रेशियो का आइडल फॉर्म होता है 2:1 और करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, क्लियर। वैसे ही क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, इसका आइडल रेशियो 1:1 माना जाता है। अब यहां एक चीज लिखा गया है क्विक एसेट, क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, तो क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में आगे जहां इन्वेंट्री मिलेगा हम वहां स्टॉक लिखे तो समझ जाना स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही है। तो करंट एसेट का, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं क्विक एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस ब्रैकेट में स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही चीज को लिखे हैं। अब आपको ये बहुत ही इजी है, एक बार फॉर्मूला याद रख लो, उसी बेस पे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा लिक्विडिटी रेशियो का। लेकिन स्टूडेंट वन ऑफ द बेस्ट मेन स्टूडेंट जो है वो इसी बीच फंस जाते हैं कि वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन करेंट एसेट होता है और कौन कौन करेंट लाइबिलिटी। तो आपको बस एक बार याद रखना है ये फॉर्मूला, एक बार याद रख लो, इसके बाद ये याद रख लेना कि कौन कौन चीज करेंट एसेट होता है और कौन कौन करेंट लाइबिलिटी। और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इतना तो मुझे पता है कि आप लोगों को डिटेल में पता होगा कि करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी क्या होता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ कुछ कुछ करेंट एसेट का एग्जाम्पल और कुछ कुछ करेंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल लिख के लाए हैं। अब सबसे पहले करेंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट ऐसा एसेट होता है जिस एसेट को एक साल के अंदर अंदर हम लोग कैश में बदल सकते हैं। करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर जिस एसेट को कैश में बदल दे वो एसेट करंट एसेट कहलाता है।
करंट असिस्ट में मेनली क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा? करंट असिस्ट में केस एंड केस इक्विवेलेंट। केस एंड केस इक्विवेलेंट का मतलब होता है केस या केस से मिलता जुलता कोई भी चीज, जैसे केस इन हैंड, केस एट बैंक, ये सारा चीज मेरे लिए केस एंड केस इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है, स्टॉक या इन्वेंट्री भी करंट असिस्ट है। डेटर करंट असिस्ट होता है। बीआर इसका मतलब बिल्स रिसेबल, करंट असिस्ट है। ट्रेड रिसेबल करंट असिस्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असिस्ट होता है। पेड इन एडवांस करंट असिस्ट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असिस्ट है। शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस करंट असिस्ट है। इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करंट असिस्ट है, और एटसेट्रा। इसी तरीके से और भी बहुत सारा चीज करंट असिस्ट होता है। ठीक, याद रख लेना। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मीन्स होता है कि करंट लाइबिलिटीज आर विच टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन दैट शुड बी पेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट वन ईयर। यानी एक साल के अंदर अंदर जो भी लाइबिलिटी, जो भी पैसा का आपको पेमेंट करना है, आपके ऊपर कोई पैसा बकाया है जिसका पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर करना है, तो इसे हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, ट्रेड पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन आता है, इंटरेस्ट पेबल आता है, रिसीव इन एडवांस आता है, या प्रोविजन एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारा चीज करंट लाइबिलिटी में होता है, लेकिन वन ऑफ द थिंग मेनली आपको करंट एसेट्स में ये चीज और करंट लाइबिलिटी में ये चीज देखने को मिलेगा। तो इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में इसको अच्छा से लिख के रखना। अब हम लोग फॉर्मूला जान गए, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी जान गए। अब डायरेक्ट हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बुक में 14 क्वेश्चन दिया है, 14th क्वेश्चन आप लोगों को दिया है लिक्विडिटी रेशियो में, और एकदम आई एम श्योर कि एग्जाम में इसी में से एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली टैली करेगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं कि न्यूमेरिकल्स आखिरकार कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो देखो अच्छा से समझना। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बुक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बुक से पहले हम आप लोगों को बताने के लिए तीन क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा अपने से बना के लाए हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन एक्चुअल में बनाना कैसे है। देखो क्या बोला, फाइंड करंट रेशियो। क्या निकालने बोला? करंट रेशियो। इफ करंट एसेट इज इक्वल करंट एसेट ₹1,40,000 एंड करंट लाइबिलिटी ₹70,000। यानी आपको करंट रेशियो निकालने बोला, तो सबसे पहले जो भी रेशियो निकालने बोलेगा उसको आप लोग लिख लेना। तो करंट रेशियो निकालने बोला तो लिखेंगे यहाँ पे करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। जो रेशियो बोलेगा पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ मेरा देखो डायरेक्ट करंट एसेट निकाल के दे दिया 1,40,000 का, तो करंट एसेट की जगह लिखेंगे 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी है मेरा 70,000, करंट लाइबिलिटी लिखेंगे 70,000। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 14/7 आएगा, यानी काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा, 7×2=14। जब पूरा कट जाए तो अपने से यहां ₹2 दे करके हम लोग 1 लगाएंगे, ये आंसर। यानी ये जो कंपनी है उस कंपनी का करंट रेशियो क्या है? 2:1 उस कंपनी का करंट रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। अब एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बोला, क्विक रेशियो वेयर करंट एसेट्स ₹70,000, करंट लाइबिलिटी ₹35,000, स्टॉक ₹30,000। तो क्विक रेशियो बोला है तो फॉर्मूला लिखेंगे, पहले जो रेशियो बोलेगा पहले उसका लिखेंगे। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका क्विक एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी। हम शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग नाम पूरा लिखना। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्विक एसेस्ट निकालना है। तो क्विक एसेस्ट इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताए थे, क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला होता है क्विक एसेस्ट इज इक्वल टू करंट एसेस्ट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो करंट एसेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है? करंट एसेस्ट दिया है 70,000, तो करंट एसेट्स लिखेंगे 70,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक दे रखा है, देखो स्टॉक दे रखा है 30,000, फिर माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो जीरो। जब प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो जीरो लिखना, या फॉर्मूला में प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिखना ही नहीं, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आगे जब कहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होगा तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब
70,000 से 30,000 घट गया, तो ये आपका 40,000 रुपया आपका आ गया क्विक असिस्ट। वैसे ही आपको आप क्या निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, ऑलरेडी करंट लाइबिलिटी दिया है 35,000 का, तो करंट लाइबिलिटी हो गया आपका 35,000 हो गया। अब देयरफॉर जब करंट क्विक असिस्ट और करंट लाइबिलिटी दोनों आ गया तो क्विक रेशियो निकालेंगे। तो फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असिस्ट बाय करंट लाइबिलिटी। तो बच्चा क्विक असिस्ट कितना आया है, 40,000 रुपया आया है, 40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 35,000 है, 35,000 यानी आगे बढ़ेंगे तो 40/35 आएगा, फिर आगे डिवाइड करेंगे तो 8 से 5 बार में 7 बार में 8/7 इसको आप लोग डिवाइड कर देना। तो देखो डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 एकम 7 होगा, 1 आएगा पॉइंट लगा के 0, 7 एकम फिर 7 हो गया, 3 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, यानी लगभग 1.14 समथिंग आएगा। तो इस 2 दे के अपने आप जो है हम लोग 1 लगा सकते हैं, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को जो है वो बनाया जाता है। आगे समझ में क्वेश्चन? ठीक है, अगर आ गया तो डायरेक्ट अब हम लोग बुक का क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये है बुक का हमारा पहला क्वेश्चन। बुक का पहला क्वेश्चन बोला कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। ये एक स्टेटमेंट दिया है, पार्टिकुलर अमाउंट, एक साइड इन्वेंट्री यानी स्टॉक दिया है 12,000 का, ठीक है, डेटर्स 8,000 का, कैश एंड बैंक बैलेंस 2,500 का, फिक्स एसेट 10,000 का, ट्रेड लाइफ क्रेडिटर्स 4,000 का, बिल्स पेबल 3,000 का, प्रोविजंस 3,000 का, सो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 8,000 का। निकालने क्या बोला है, करंट रेशियो। तो जो निकालने बोलेगा पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट रेशियो बोला तो लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेस्ड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमको क्या चाहिए, करंट एसेस्ट चाहिए, तो लिखेंगे करंट एसेस्ट इज इक्वल टू, क्योंकि करंट एसेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं दिया है निकाल के, तो निकालेंगे। तो बच्चा अब हमको आप देख के बताना कि करंट एसेस्ट कौन कौन चीज है। स्टॉक यानी इन्वेंट्री क्या ये करंट एसेस्ट होता है? बिल्कुल होता है। तो करंट एसेस्ट में स्टॉक का वैल्यू दिखाएंगे 12,000 का, स्टॉक 12,000 रुपया का है, प्लस और कोई करंट एसेस्ट है, डेटर करंट एसेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, 8,000 डेटर करंट एसेस्ट होता है, प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस यानी ये भी डेटर्स होता है आपका 2,500 इज इक्वल टू, अब है फिक्स एसेट नहीं, हमको करंट एसेट चाहिए ना, तो फिक्स एसेट से कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लेंगे, इधर तो सब मेरा क्रेडिटर्स है, तो चलो इसको जोड़ेंगे तो 8,000 और 12,000 20,000 और 2,500, तो ये हो जाएगा टोटल 22,500। सेम वैसा ही अब करंट लाइबिलिटी को दिखाएंगे, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, देखो बच्चा क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी होता है, बिल्कुल होता है, तो क्रेडिटर्स 4,000 रुपया का है, और करंट लाइबिलिटी में देखो बिल्स पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी होता है 3,000 का, 3,000 का करंट लाइबिलिटी है, प्रोविजंस 3,000 का करंट लाइबिलिटी है मेरे लिए ये भी, अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मतलब होता है लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, तो लॉन्ग टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, तो इसको नहीं लेंगे, तो ये टोटल 4,000 3,000 7,000 और 3,000 ये टोटल आपका हो गया 10,000। अब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों आ गया, तो देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेस्ट मेरा है आपका 22,500, करंट लाइबिलिटी है आपका 10,000 रुपया, रुको गलती हो गया, 10,000 है, जब डिवाइड करेंगे तो 2.25 कट जाएगा, तो इस 2 देके हम लोग अपने आप 1 लगाएंगे, ये आंसर हो गया, यानी 22,500 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा ना, फिर इस 2 देके 1 लगा दिए, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला, यहां पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो, कौन सा रेशियो निकालने बोला, क्विक रेशियो। तो जो रेशियो बोलेगा पहले उस रेशियो का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्विक रेशियो बोला तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू, जरा बताओ तो क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो। हाँ बिल्कुल सही, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेस्ट बाय करेंट लाइबिलिटी। अब फॉर्मूले के रिगार्डिंग सबसे पहले क्विक एसेस्ट चाहिए, तो क्विक एसेस्ट इज इक्वल टू, बताओ तो क्विक एसेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। हाँ बिल्कुल सही, क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला होता है क्विक एसेस्ट इज इक्वल टू करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही है। तो बताओ करेंट एसेस्ट कितना दिया है, करेंट एसेस्ट मेरा दे रखा है
चार लाख का, करेंट एसेट्स लिखो 4 लाख, माइनस स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना है 80,000 रुपया का है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 20,000 का, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे 20,000, तो ये हो गया मेरा 4 लाख, 4 लाख से 80,000 और 20,000 टोटल दोनों को माइनस करना है, तो टोटल 1 लाख रुपया माइनस होगा, तो 4 लाख से 1 लाख घटेगा, तो ये 3 लाख रुपया आ गया आपका करेंट लाइफ क्विक एसेस्ट। अब ऐसे ही फॉर्मूला के रिगार्डिंग करेंट लाइबिलिटी चाहिए, तो करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना है 2,40,000 रुपया है, दोनों का वैल्यू आ गया। अब देयरफॉर लिखेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेस्ट बाय करेंट लाइबिलिटी, तो क्विक एसेस्ट कितना आया है 3 लाख, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी है 2,40,000, लिखेंगे 2,40,000, इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर जो बुक का क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट में है, तो 3 नंबर आप लोग खुद बना लेना, ईजी है, बस बैलेंस शीट लंबा हो रहा था इसीलिए हम उसको लिख नहीं पाए तो छोड़ दिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आने से पहले हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 आने से पहले 5 नहीं पढ़ना है, 6A और 6B पहले बता देते हैं, क्योंकि 4 नंबर से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट है जो आगे आपको मिलेगा, तो पहले ये बता देते हैं। 6A पे बोला द वर्किंग कैपिटल पोजिशन ऑफ ए कंपनी इज एज अंडर, एक कंपनी है जिसका वर्किंग कैपिटल क्या क्या है, क्रेडिटर्स है 24,500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,500 का, स्टॉक है 28,000 का, डेटर्स है 17,500 का, केस है 3,500 का, लेकिन निकालने क्या बोला, कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, आपको दोनों निकालने बोला, करेंट रेशियो भी निकालने बोला और क्विक रेशियो भी, तो जब दोनों रेशियो बोलेगा तो सबसे पहले हमेशा करेंट रेशियो का काम होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी, तो सबसे पहले फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले करेंट एसेट निकालना होगा, तो करेंट एसेट इज इक्वल टू, चलो बताओ यहां से करेंट एसेट में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स करेंट लाइबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लाइबिलिटी होता है, स्टॉक स्टॉक करेंट एसेट होता है, 28,000 का करेंट एसेट है, और कोई करेंट एसेट है, हाँ सर डेटर्स है, तो डेटर्स को भी दिखाओ, 17,500 का डेटर करेंट एसेट है, प्लस स्टॉक केस भी करेंट एसेट है आपका 3,500 का, तो टोटल करेंट एसेट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,000, 3,000, 20,000, 21,000, 21,000 और ये आपका 21,000 और ये आपका हो गया एक मिनट 17,000, 3,000, 20,000 और 1,000, 21,000, 21,000 रुपया और 28,000 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 49, 49,000 रुपया का आपका करेंट एसेट आया। अब करेंट लाइबिलिटी निकालेंगे, तो करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स करेंट लाइबिलिटी होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिटर्स 24,500 का करेंट लाइबिलिटी है और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 10,500 का करेंट लाइबिलिटी है, तो टोटल करेंट लाइबिलिटी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 10 34, 34 और 1 35, 35,000 रुपया करेंट लाइबिलिटी, अब दोनों आ गया, तो देयरफॉर लिखेंगे करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट एसेट है मेरा 49,000 और करेंट लाइबिलिटी आया 35,000, डिवाइड कर देना, डिवाइड करके करेंट रेशियो निकला, अब तो करेंट रेशियो ही ना निकला है, नाउ अब क्या निकालना है, क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी, क्लियर है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमको क्विक एसेट चाहिए, तो क्विक एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट कैसे निकलता है, क्विक एसेट निकलता है आपका करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस निकल जाएगा, तो बताओ करेंट एसेट बोल रहा है तो करेंट एसेट टोटल निकाले हैं, करेंट एसेट कितना आया है 49,000, करेंट एसेट 49,000 लिखो माइनस स्टॉक, तो देखो स्टॉक दिया है 28,000 का, माइनस कर दो स्टॉक 28,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो जीरो लिखो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को चाहे तो दिखाना ही नहीं, तो हम लिख दिए हैं इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को जीरो लिख दिए, अब 49,000 से 28,000 रुपया आपका घट जाएगा, तो यह आपका 21,000 आया क्विक एसेट, अब आपको चाहिए करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी ऑलरेडी आपका दे रखा है 35,000 रुपया का, ठीक है, देयरफॉर जब दोनों दिया है आपका, तो देयरफॉर आपका क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक रेशियो इज इक्वल टू
क्विक असेस्ट बाय करेंट लाइबिलिटी। तो बताओ बच्चा क्विक असेस्ट कितना आया, 21,000 रुपया का क्विक असेस्ट आया, डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी 35,000 का, 35,000 इसको डिवाइड करना, डिवाइड करके ऐसे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार फॉर्मूला को याद रख लो, याद रख लो कौन कौन सा करेंट असेस्ट होता है, कौन कौन सा करेंट लाइबिलिटी होता है। करेंट असेस्ट बोलेगा तो टोटल करेंट असेस्ट को जोड़ देना, करेंट लाइबिलिटी बोलेगा तो टोटल करेंट लाइबिलिटी को जोड़ देना, जहां क्विक असेस्ट का जरूरत पड़ेगा वहां क्विक असेस्ट निकाल लेना। आया समझ में? 6A हो गया। सेम ऐसे ही आपका 6B दिया है बनाने के लिए, तो 6B आप लोग खुद बनाना। बोला कैलकुलेट करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, आपको दोनों बोला है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो को ही क्विक रेशियो बोला जाता है। ठीक है, कैश इन हैंड दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, यहां से कौन कौन करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी होता है तो देखते हैं। कैश इन हैंड क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या होता है, करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटी? कैश इन हैंड करेंट एसेट होता है, स्टॉक क्या होता है करेंट एसेट, डेटर क्या होता है करेंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है करेंट लाइबिलिटी, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी करेंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट, बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स करेंट एसेट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कौन करेंट एसेट कौन करेंट लाइबिलिटी है। तो एक बार पहले करेंट रेशियो निकालना, इसके बाद जो है आप लोग क्विक रेशियो जो है वो निकाल लेना। ठीक है, तो इसको आप लोग इसी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और पीछे जो एक क्वेश्चन नंबर 4 छोड़े थे, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा 4 में जिस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का बहुत क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेगा और एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन पे, सोनू लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो ऑफ 3:1। सोनू लिमिटेड एक कंपनी है जिसका करेंट रेशियो ऑलरेडी पहले से दे दिया है 3:1। तो इस तरीके का क्वेश्चन में जो जो चीज दिया होगा, सबसे पहले आप उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके मेंशन करोगे कि क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले आपको करंट रेशियो इसका दे रखा है 3:1, तो यहां लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1 जो दे रखा है। ठीक है, फिर इफ स्टॉक इज 40,000 और उसका स्टॉक भी दे रखा है, स्टॉक इज इक्वल टू 40,000 एंड टोटल करंट लाइबिलिटी आर 45,000, उसका टोटल करंट लाइबिलिटी यानी CL करंट लाइबिलिटी दे रखा है उसका 45,000 रुपया का। बोला फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो, यानी क्विक रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। इस तरीके का आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको कहीं पे क्विक असेस्ट मांगेगा, कहीं पे आपको स्टॉक का वैल्यू मांगेगा, कहीं आपको करंट असेस्ट का वैल्यू मांगेगा, कहीं आपको करंट लाइबिलिटी का वैल्यू मांगेगा। इस तरीके का काफी सारा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो जब किसी क्वेश्चन में करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों दिया है, तो उस क्वेश्चन में करंट रेशियो ही पहले काम करेंगे। अभी बताए थे आगे, तो सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो का ही काम करेंगे। तो बेसिकली दिया है करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1 जो गिवेन है। हमको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3:1। लिख सकते हैं 3:1 को 3:1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करंट एसेस्ट इंटू 1, तो ये करंट एसेस्ट ही आएगा, इज इक्वल टू 3 × करंट लाइबिलिटी करेंगे तो ये 3 करंट लाइबिलिटी आएगा। अब देखेंगे कि क्या करंट एसेस्ट या करंट लाइबिलिटी में से किसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है। तो देखो करंट एसेट का वैल्यू नहीं है, करंट लाइबिलिटी का वैल्यू है 45,000, तो करंट एसेट का वैल्यू दिखाएंगे यहां पे, इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा करंट एसेट इज इक्वल टू ये 3 × ये आपका करंट लाइबिलिटी कितना दिया है, करंट लाइबिलिटी 45,000 रुपया का आपका करंट लाइबिलिटी गिवेन है, यानी कि करंट एसेट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,0, 3×5=15, 5 × 1=4, 3×12=13, यानी 135,000 रुपया का आपका क्या आया है, करंट एसेट आया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ, हमको क्या निकालने बोला था, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा क्विक रेशियो का, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, अब हम अलग से क्विक एसेट नहीं निकालेंगे, हम यहीं पे डायरेक्ट जो है हम लोग क्विक एसेट डायरेक्ट यहीं पे जो है अब हम लोग डायरेक्ट क्विक एसेट निकालेंगे। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेस्ट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी किए कुछ नहीं है, यहाँ क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला लिखे। अब करंट एसेस्ट बोल रहा है, करंट एसेस्ट 135,000 है, 135,000 करंट एसेस्ट माइनस
माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना है 40,000, स्टॉक हो गया आपका 40,000, डिवाइड करेंगे करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी आपका है यहाँ पे 45,000, तो करेंट लाइबिलिटी हो गया आपका 45,000 इज इक्वल टू, अब 1,35,000 से 40,000 रुपये जब माइनस होगा तो 95,000 रुपया जो है आपका निकल करके आ जाएगा, निकल के आ जाएगा क्विक एसेस्ट, और ये हो गया आपका 45,000। अब आप लोग इसको डिवाइड करना तो 95/45 होगा, इसको और डिवाइड करना, डिवाइड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो दिया रहेगा उसको लिख देना, और जो निकालने बोलेगा वो क्वेश्चन में आगे बढ़ते बढ़ते निकालना। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चूंकि 6B तक कर चुके हैं तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो 7 पे भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 7 को अभी समझाएंगे, इसके बाद आगे इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट आपको जो है आंसर के थ्रू समझाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, नोट्स भी मिल जाए और आप लोग खुद भी उसको बना पाओ। क्या बोला, ए कंपनी ए बिजनेस हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1, एक बिजनेस है जिसका करंट रेशियो 3:1 है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1 इफ इट्स नेट वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, अगर उसका वर्किंग कैपिटल, एक नया चीज दे दिया ये वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू दे दिया है अगर उसका 4 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल है, एंड इट्स स्टॉक आर वैल्यूड एट 2,50,000, और अगर उसका स्टॉक का वैल्यू 2,50,000 रुपया उसका स्टॉक का वैल्यू है, कैलकुलेट क्विक रेशियो, आपको बोला क्विक रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों देगा तो हम अभी बताए थे पहले करंट रेशियो का काम करेंगे, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है 3:1, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे तो करंट एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3:1 लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेस्ट इंटू 1, तो करंट एसेस्ट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी, तो 3 करंट लाइबिलिटी, अब देखेंगे करंट एसेस्ट या करंट लाइबिलिटी में से किसी का वैल्यू है या नहीं, तो क्वेश्चन में ना तो करंट एसेस्ट गिवन है ना करंट लाइबिलिटी, तब ये अब सोल्व नहीं होगा, और तो इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन 1, सोल्व नहीं होगा तो इक्वेशन 1 ही मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है तो अब काम करेंगे वर्किंग कैपिटल का, किसका काम करेंगे वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना दिए रखा है आपका 4 लाख रुपया दे रखा है। अच्छा बच्चा पता है ना वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे करंट एसेस्ट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख, किए कुछ नहीं है वर्किंग कैपिटल का जगह करंट एसेस्ट उसका फॉर्मूला पुट कर दिए। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, यहां करंट एसेस्ट बोला तो क्या करंट एसेस्ट का जगह करंट एसेस्ट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी इक्वेशन 1 पे है ना, तो क्या करंट एसेस्ट की जगह 3 करंट लाइबिलिटी नहीं पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करंट एसेस्ट की जगह आएगा 3 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,000, अगर आपको दिखाना होगा तो यहां दिखा देना ब्रैकेट में बाय इक्वेशन 1। अब देखो 3 करंट लाइबिलिटी से यहां 1 करंट लाइबिलिटी है माइनस हो जाएगा, तो ये 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू ये हो गया आपका 4 लाख, यानी कि करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू ये 4 लाख है, ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर चला गया तो डिवाइड में, यानी कि आपका करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 लाख, आपका करेंट लाइबिलिटी आया, करेंट लाइबिलिटी 2 लाख आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 पे डालेंगे क्योंकि करंट एसेट भी चाहिए, नाउ CL यानी करेंट लाइबिलिटी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, किस में पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है करंट एसेस्ट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लाइबिलिटी 2 लाख आया, 2 लाख यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लाइबिलिटी आपका 6 लाख रुपया करंट लाइबिलिटी आ गया। अब करंट एसेस्ट भी आ गया, करंट लाइबिलिटी आप भी आ गया, स्टॉक भी दिया है, तो क्विक रेशियो निकल जाएगा, तो फॉर्मूला होता है मेरा क्विक रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेस्ट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, क्विक एसेस्ट कैसे निकलता है, तो क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला होता है करंट एसेस्ट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो नहीं लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो ये करंट एसेस्ट देखो करंट एसेस्ट कितना आया 6 लाख, तो करंट एसेस्ट की जगह 6 लाख लिखो माइनस स्टॉक, स्टॉक गिवेन है 2,50,000 रुपया का स्टॉक गिवेन है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी अभी 2 लाख आया, 2 लाख रुपया लिखो इज इक्वल टू 6 लाख में से
250,000 घटेगा तो 350,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे, अब क्या होगा, 4 0 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 35/20 होगा, डिवाइड करेंगे तो 1.75 बार में कटेगा, इस 2 दे करके यहाँ 1 डालेंगे, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उन सभी चीज़ों को दिखाना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके और फॉर्मूला के रिगार्डिंग आगे चलते जाएंगे, जहां तक बना बना, जो नहीं बनेगा उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में 7 नंबर। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8। तो अब जो जो क्वेश्चन सेम है उसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है चलो, थोड़ा सा इस कैमरा को ऊपर कर लेते हैं, हाँ चलो थोड़ा सा ऊपर कर लिए ताकि आप लोगों को दिख सके। हाँ जी, देखो क्या बोला, ए कंपनी हैड ए करंट रेशियो ऑफ 3.5:1। एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो है 3.5:1, तो यहां लिखे करंट रेशियो इज इक्वल टू 3.5:1। एंड एसिड टेस्ट रेशियो ऑफ 2:1। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो या लिक्विड रेशियो एक ही है, तो एसिड टेस्ट रेशियो का मीन्स यहां पे क्विक रेशियो 2:1 है, तो हम डायरेक्ट क्विक रेशियो लिखे 2:1। इफ इन्वेंट्री इज 30,000, इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो एक ही है, तो इन्वेंट्री के जगह स्टॉक लिखे 30,000 का। फाइंड आउट द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, दो चीज बोला, एक करंट एसेट बोला, एक करंट लाइबिलिटी बोला, तो करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब जब क्वेश्चन में करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों दिया है, तो पहले करंट रेशियो का काम करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू 3.5:1 दिया, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5:1 को 3.5/1। अब तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो करंट एसेट इंटू 1 करेंगे तो करंट एसेट आएगा इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी, तो 3.5 करंट लाइबिलिटी। अब ना तो करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी, तो इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब क्विक रेशियो लिखेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 2:1, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 2:1, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी है ना, क्विक एसेट का फॉर्मूला, या फॉर्मूला 9 लिख करके यहीं पे मल्टीप्लाई किए, तो क्विक एसेट इंटू 1 करेंगे तो क्विक एसेट आएगा इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटी किए, 2 करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला लिखे, आप चाहते तो आप यहाँ भी फॉर्मूला को दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला, करंट एसेस्ट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिखे, क्विक एसेस्ट का फॉर्मूला लिखे इज इक्वल टू 2 करेंट लाइबिलिटी। अब देखो ये जो करंट एसेस्ट है, तो क्या करंट एसेस्ट के जगह इक्वेशन 1 का वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, तो करंट एसेस्ट के जगह 3.5 करेंट लाइबिलिटी लिख सकते हैं, तो लिख दिए करंट एसेस्ट के जगह 3.5 करेंट लाइबिलिटी माइनस स्टॉक माइनस 2 करेंट लाइबिलिटी, इक्वेशन 1 से लिखे। अब देखो यहां 3.5 करेंट लाइबिलिटी है, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू माइनस स्टॉक है, इधर चला जाएगा तो प्लस स्टॉक हो गया। अब 3.5 करेंट लाइबिलिटी से 2 करेंट लाइबिलिटी घटा तो 1.5 करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक, यानी 1.5 करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक का वैल्यू देखो दिया हुआ है 30,000, तो स्टॉक लिखे 30,000। अब 1.5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला गया ये। अब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 है, ये पॉइंट हट के ऊपर इनटू होगा, तो जब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी ये 20,000 रुपया आपका क्या निकल के आया, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का वैल्यू इक्वेशन 1 पे डाले, तो इक्वेशन 1 था करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी, यानी 3.5 करंट लायबिलिटी 20,000 आया, यानी 3.5 × 20,000 यानी कितना, 70,000 रुपया करंट एसेट आया। तो क्वेश्चन में यही दोनों तो मांगा था, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तो Therefore करके दिखाएं, करंट एसेट 70,000 आया और करंट लायबिलिटी 20,000 आया। ठीक है, अच्छा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से आप बुक से क्वेश्चन को देखते हुए अच्छे तरीके से बनाना, और जहां दिक्कत हो एक बार इसको रिपीट कर लेना, बहुत ईजी है, एक बार बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा। 8 हो गया, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करते हैं शायद आप लोग को पूरा वीडियो दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ए बिजनेस हैज करंट रेशियो, एक बिजनेस का करंट रेशियो 3:1 है, तो लिखे करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1, तो क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 180,000 का, तो वर्किंग कैपिटल 180,000 का, कैलकुलेट करने बोला करंट लायबिलिटी एंड स्टॉक, करंट लायबिलिटी एंड स्टॉक। तो सबसे पहला काम क्विक
करंट रेशियो का किए हैं, तो करंट रेशियो किए हैं तो इक्वेशन आया, वर्किंग कैपिटल दिया है तो उसके बाद वर्किंग कैपिटल का काम किए, वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी आ गया, करंट लाइबिलिटी का वैल्यू को इक्वेशन वन पे डाले, इक्वेशन वन पे डाले तो करंट एसेट आ गया, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट दोनों आ गया, फिर क्विक रेशियो का काम किए हैं तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला में डाल के निकाल दिए, तो लास्ट में सब निकल के आ गया मेरा, देख सकते हैं सब निकल के आ गया, करंट लाइबिलिटी 90,000 का, करंट एसेट 270,000 का और स्टॉक 162,000 का। ठीक है, आ गया समझ में, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमसे ज्यादा जरूरी इसको आप लोगों को बनाना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा, जहां दिक्कत या डाउट परेशानी हो तो कमेंट करके मुझे पूछना, दिक्कत होगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, आप चाहें तो अच्छे से बनाना, बन जाएगा, इजी है, ठीक है, विश्वास है हमको आप लोग बना लोगे। नो हो गया, नो के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे बनेगा, यहां भी एक एक्स लिमिटेड है जिसका करंट रेशियो 4.5:1 है, यानी करंट रेशियो है, करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1 है, क्विक रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 3:1 है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक है 72,000 का, स्टॉक इज इक्वल टू 72,000, फाइंड आउट करने बोला टोटल एसेट एंड टोटल करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे है, इसको आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर 10 नंबर का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, चलो 10 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 और छोटा और सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला है क्विक रेशियो 5.1 है, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 5.1, देखो क्विक रेशियो 5.1 है तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 5.1, लेकिन 5.1 तो कोई रेशियो नहीं है, तो हम अपने से यहाँ इज टू 1 डालेंगे, अपने से डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करंट एसेट दिया है 100,000 का, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 100,000, करंट लाइबिलिटी भी दे दिया 40,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 40,000, फाइंड आउट करने बोला स्टॉक, स्टॉक तो भाई क्विक रेशियो सिर्फ दिया है तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1 है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला पे डाले तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला में डाल के करंट एसेट भी दिया है, करंट लाइबिलिटी भी दिया है, स्टॉक नहीं दिया है, तो स्टॉक का आंसर मेरा लास्ट में कितना निकल के आएगा, स्टॉक मेरा निकल करके आ जाएगा 40,000 रुपया, बन जाएगा, एकदम ईजी है, है, सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर बनाओगे, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट है वो मुझसे जरूर पूछ लेना बाद में आप लोग, ठीक है, चलो 11 नंबर भी हो गया, 12 भी, 12 नहीं हुआ था ना, चलो देखो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला है, बोला गया है ए फार्म हैज करंट रेशियो, एक फार्म है जिसका करंट रेशियो 2.5:1 है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5:1, इट्स लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का सेंस यहाँ पे करंट लिक्विड रेशियो का मतलब आपका ये क्विक रेशियो है, तो क्विक रेशियो दिया है 1.5:1, तो क्विक रेशियो 1.5:1, करंट लाइबिलिटी दिया है 15,000, करंट लाइबिलिटी 15,000, निकालने बोला है करंट एसेट एंड स्टॉक, करंट एसेट एंड स्टॉक, तो सबसे पहले करंट रेशियो का काम किए, करंट रेशियो में करंट एसेट आ गया, क्विक रेशियो का काम किए, क्विक रेशियो में एसेट आ गया, स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा करंट एसेट 37,500 और स्टॉक 15,000, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बनाओगे, बहुत इजी और सिंपल है, इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग खुद से बनाओ और आप लोग खुद से अच्छे तरीके से तैयारी करो, कोई दिक्कत होगा तो मैं तो हूं ही ना आप लोग के साथ, ठीक है, चलो 12 नंबर हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग है इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को बताएंगे, देखो जो क्वेश्चन अलग होगा वो हम डेफिनेटली बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला द रेशियो ऑफ करंट एसेट इज इक्वल टू 3,00,000, एक कंपनी है जिसका करंट एसेट 3,00,000 का है, चलो तो लिखते हैं यहाँ पे करंट एसेट इज इक्वल टू 3,00,000 रुपया उस कंपनी का करंट एसेट है, ठीक है सर, एंड करंट लाइबिलिटी इज 2,00,000 और उसका करंट लाइबिलिटी है आपका 2,00,000 का, ठीक है सर, बिल्कुल सही, और इसका रेशियो दिया है 1.5:1, जब करंट एसेट 3,00,000 है और करंट लाइबिलिटी 2,00,000 है तो इसका रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो करंट रेशियो आएगा 1.5:1, बिल्कुल यही आएगा, 3,00,000 को 2,00,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आएगा, बिल्कुल सही बोला, गलती क्या बोला, ये द अकाउंटेंट ऑफ द फार्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1, ये मान लो उस फार्म का एक अकाउंटेंट है, कौन है, अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट चाहता है कि ये जो करंट रेशियो 1.5:1 है ये कितना हो जाए, 2:1 हो जाए, ये चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए, बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द
करेंट लाइबिलिटी, और वो उसके लिए करेंट लाइबिलिटी भी पेड करने के लिए तैयार है कि जितना करेंट लाइबिलिटी पेड करना होगा हम पेड कर देंगे, लेकिन जो करेंट रेशियो अभी 1.5:1 है वो कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द रेशियो करेंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1। आपको बताना है कि करेंट लाइबिलिटी को कितना रुपया पेड करेंगे कि जो करेंट रेशियो है वो 2:1 हो जाए। तो अब अमाउंट बताना है आपको, अमाउंट कि करेंट लाइबिलिटी को कितना रुपया देंगे कि करेंट रेशियो 1.5:1 से 2:1 हो जाए। तो भाई कितना करेंट लाइबिलिटी को देंगे हमको तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो चलो ना मान लेते हैं कि लेट, माना कि मान लेट अमाउंट, लेट एक्स रुपी पेड टू बी लाइबिलिटी। चलो मान लिए कि लाइबिलिटीज को कितना रुपया पेड हो रहा है, मान लिए कि लाइबिलिटी को पेड होगा आपका एक्स रुपया, मान लिए। अब अगर लाइबिलिटी को एक्स रुपया देंगे तो बोला है कि करेंट रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेस्ड बाय करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1, 2:1 को 2:1 लिख सकते हैं। अब असली खेला यहाँ से है, इसको समझना, करेंट एसेस्ड बाय करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। ये करेंट रेशियो 2:1 कब होगा, जब करेंट लाइबिलिटी को अमाउंट पे करेंगे, पैसा करेंट लाइबिलिटी का पैसा पेड करेंगे, तो कितना रुपया पेड करेंगे, एक्स रुपया, तो करेंट लाइबिलिटी से एक्स घट जाएगा। अच्छा बच्चा एक सवाल है, करेंट लाइबिलिटी को क्या पेड करेंगे? सर करेंट लाइबिलिटी को कैश पेड करेंगे, बिल्कुल सही। कैश क्या होता है, करेंट एसेट होता है। तो सिंपल बात है, जब आप करेंट लाइबिलिटी का पैसा दोगे तो क्या कैश नहीं घटेगा, घटेगा सर। कैश करेंट एसेट नहीं होता है, होता है सर, यानी करेंट एसेट भी घटेगा, करेंट एसेट भी घटेगा। जितना करेंट लाइबिलिटी घटेगा उतना करेंट एसेट भी घटेगा, क्लियर है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो करेंट एसेट माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, करेंट एसेट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 * करेंट लाइबिलिटी करेंगे, 2 करेंट लाइबिलिटी माइनस 2 * एक्स करेंगे तो 2x इज इक्वल टू। अच्छा एक काम करो, तो अब काम करो, यहाँ देखो ये मेरे लिए करेंट एसेट है, करंट एसेट की जगह क्या उसका वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं? सर बिल्कुल पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट एक काम करते हैं, चलो इतना छोड़ दो, ये माइनस एक्स को यहीं रहने दो, ये माइनस 2x है, इधर आ जाएगा तो प्लस 2x इज इक्वल टू, ये 2 करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, ये माइनस प्लस एसेट है, उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा ये करंट एसेट हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, टू माइनस एक्स से 2x घटेगा तो x बचेगा इज इक्वल टू 2 * करेंट लाइबिलिटी, क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 लाख, तो लिख दो 3 लाख, माइनस करेंट एसेट कितना है, 2 लाख, तो सबके जगह उसका उसका वैल्यू लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ये करेंट x इज इक्वल टू 2 * 6 हो गया। एक मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ एक चीज़ गलती हो गया, ये करेंट लाइबिलिटी बोला है ना, तो करेंट लाइबिलिटी 2 लाख है, हम गलती से 3 लाख लिख दिए, करंट लाइबिलिटी 2 लाख है माइनस करंट एसेट, करंट एसेट है 3 लाख, गलती से वैल्यू उधर उधर हो गया, तो 2 * 4 ये 4 लाख हो गया, और 4 लाख से माइनस होगा ये 3 लाख इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 4 लाख से 3 लाख घटेगा 1 लाख। इसका मतलब है एक्स मतलब क्या बोले हैं, अमाउंट जो पेड होगा, यानी 1 लाख रुपया जब लाइबिलिटी को पेड करेंगे तो रेशियो जो है वो 1.5 से बदल के कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो ये अमाउंट मेरा आंसर है। अच्छा आंसर तो हो गया, लेकिन जरा सा चलो तो वेरीफाई करके देखते हैं कि सच में ऐसा रेशियो होगा या नहीं होगा। तो आओ, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट कितना है, 3 लाख है, ठीक है सर, चलो 3 लाख है, करंट लाइबिलिटी कितना है, 2 लाख। अब क्वेश्चन में क्या आया था कि कितना रुपया करेंट लाइबिलिटी पेड कर दिए, 1 लाख, तो करेंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपया घट जाएगा। अच्छा लाइबिलिटी तो नहीं घटेगा, कैश भी घटेगा, तो एसेट भी 1 लाख घट जाएगा, तो एसेट बचेगा आपका 2 लाख रुपया का, और लाइबिलिटी बचेगा आपका 1 लाख का, डिवाइड कर देंगे तो क्या 2:1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी ये सही बना है। ये बस वेरीफाई करवा रहे हैं आपको कि सच में रेशियो ऐसा होगा या नहीं होगा, तो रेशियो हो जाएगा, यानी जब लाइबिलिटी को 1 लाख पेड कर देंगे हम लोग तो जो रेशियो 1.5:1 है ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2:1 पे हो जाएगा। आ गया समझ में? अब चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, अकाउंटिंग रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो का, करंट रेशियो और क्विक रेशियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में देखो 14 नंबर पे क्या बोला है,
सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है 14 पे। करंट एसेट दिया है एक कंपनी का 15 लाख, करंट एसेट 15 लाख है, करंट रेशियो 3:1 है, करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 1.25:1, 1.25:1 अमाउंट कैलकुलेट करने बोला करंट लाइबिलिटी का, लिक्विड एसेट का और इन्वेंट्री का। तो करंट लाइबिलिटी बोला यानी CL बोला, लिक्विड एसेट का मतलब होता है क्विक एसेट, लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट, क्विक एसेट बोला, इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो, स्टॉक निकालने बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे करंट रेशियो को, फिर सॉल्व करेंगे क्विक रेशियो को, तो एक एक करके मेरा आंसर आते जाएगा। ठीक है, ये इसका सलूशन है, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और इसको आप लोग अपने से बनाओगे तो आंसर आएगा लिक्विड करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटी आएगा 5 लाख, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट आएगा 6,25,000 का, स्टॉक या इन्वेंट्री आपका 8,75,000 स्टॉक आएगा। ठीक है, अच्छा से बनाना, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके मुझसे पूछना। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को दोबारा जरूर बताऊंगा और इसके साथ साथ एग्जांपल्स में जो क्वेश्चंस दिया है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इतना कर लो, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो या क्विक रेशियो से जो भी क्वेश्चन बोले, जैसा भी क्वेश्चन बोले, वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इसको तैयारी करके रखना। ठीक है, चलो।